अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स इंटर पार्ट टू चैप्टर टू डिफरेंशिएशन के ऊपर स्टूडेंट हम एक्सरसाइज टू पॉइंट सेवन सॉल्व करने हैं और थ्री क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिए थे आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर तो आइए देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर फोर वाई इज इक्वल टू साइन थ्री एक्स और इसमें हमने फाइंड करना है जी वाई फोर बाई फोर मीन्स कि इसको आपने फोर टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है और फार्मूला इस पर हम ये लगाएंगे डरीवेटिव ऑफ साइन एफ ओफेक्स साइन एफ ओफेक्स का डेरीवेटिव होगा कॉज एफ ओफेक्स और आगे फिर हमने डेरीवेटिव लेना है इस एंगल का एफ ओ फैक्स का पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफ्रेंशिएट होगा फिर बाद में उसके एंगल का डेरिवेटिव लेना तो यहां पहला डेरिवेटिव लिखेंगे डी बाई ओवर डी एक्स डी ओवर डी एक्स इन टू साइन थ्री एक्स तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव लेना और साइन का डेरिवेटिव होता है साइन थ्री एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस थ्री एक्स और फिर आगे इस एंगल का डेरिवेटिव लेंगे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएट होगा साइन थ्री एक्स का डेरिवेटिव कॉस थ्री एक्स फिर एंगल का डेरिवेटिव और इस वाई के डेरिवेटिव को आप लिखेंगे वाई वन और थ्री एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा थ्री क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स वन हो जाएगा तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा थ्री कॉस थ्री एक्स ये आया जी वाई वन अब इसे आपने फिर डिफ्रेंशिएट करना डी बाई वन ओवर डी एक्स थ्री कॉन्स्टेंट है डी ओवर डी एक्स और कॉस थ्री एक्स और कॉस थ्री एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन थ्री एक्स कॉस थ्री एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन थ्री एक्स और फिर इस एंगल का डेरिवेटिव लेंगे और इस थ्री एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा थ्री और ये थ्री इससे मल्टीप्लाई होके के नाइन और साइन थ्री एक्स और इस वाई वन के डेरिवेटिव को लिखेंगे वाई टू अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स जी वाई टू का डेरीवेटिव माइनस नाइन कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव ऑफ साइन थ्री एक्स और साइन थ्री एक्स का डेरीवेटिव हो जाएगा कॉस थ्री एक्स कॉस थ्री एक्स और फिर हम इस एंगल का डेरिवेटिव लेंगे और y2 के डेरिवेटिव को हम नाम देंगे y3 का और 3x का डेरिवेटिव आ जाएगा 3 वो इससे मल्टीप्लाई हो के ट्वेंटी और यहाँ पर y3 और इस y3 का फिर हम डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि इसमें चार थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना था फोर टाइम्स माइनस का ट्वेंटी सेवन कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव ऑफ कॉस थ्री एक्स और कॉस थ्री एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन थ्री एक्स और फिर डेरिवेटिव आ जाएगा जी इस थ्री एक्स का और माइनस माइनस प्लस ट्वेंटी सेवन साइन थ्री एक्स इसका डेरिवेटिव थ्री मल्टीप्लाई करेंगे एटी वन साइन थ्री एक्स और y3 का डेरिवेटिव को हम क्या लिखेंगे y4 सिंपल इसमें ये किया कि साइन का डेरिवेटिव लिखा है कॉस और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन साइन का डेरिवेटिव कॉस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन और साथ में फिर एंगल को हम डिफ्रेंशिएट करते रहे हैं तो फोर टाइम्स हमने डिफ्रेंशिएट किया है तो इसमें आंसर बना जी एटी वन साइन थ्री एक्स नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सारी सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर फोर सेकेंड पार्ट एक्सरसाइज टू पॉइंट सेवन वाई इज इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स इसका डेरिवेटिव लेना वाई इज इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स एक फार्मूला है ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ का कॉस थ्री एक्स बराबर होता है फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स ये इंटर पार्ट वन चैप्टर नंबर टेन में हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज कॉस थ्री एक्स बराबर होता है फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स तो यहाँ से कॉस थ्री एक्स बराबर हो जाएगा कॉस थ्री एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स बराबर हो जाएगा फोर कॉस क्यूब एक्स के और कॉस क्यूब एक्स की वैल्यू आ जाएगी वन बाई फोर कॉस थ्री एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसके हम फाइंड आउट करेंगे चार डेरिवेटिव इसके डेरिवेटिव फाइंड करने आसान है वजह उसकी ये है कि कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन साइन का डेरिवेटिव कॉस कॉस का माइनस है चेंज करना है इस पर पावर फार्मूला प्रोडक्ट रूल बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ आपको कि आप इससे सॉल्व कीजिए क्वेश्चन तो वाई इज़ इक्वल टू वन बाई फोर कॉस थ्री एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स अब को डिफरेंशिएट करेंगे इस y को विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन बाय फोर कॉन्स्टेंट है डी ओवर डी एक्स कॉस थ्री एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स अभी मैंने डिफ्रेंशिएट किया है साइन थ्री एक्स साइन थ्री एक्स का डरीवेटिव क्या होता था कॉस थ्री एक्स फिर एंगल का डेरिवेटिव लेते थे वो थ्री आ जाएगा तो यहाँ जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस थ्री एक्स का डेरीवेटिव माइनस साइन थ्री एक्स और इस एंगल का भी डेरीवेटिव लेना है थ्री एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा थ्री और यहाँ पे कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा जी माइनस साइन एक्स एंगल के एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाएगा वन आ जाएगा जी और वाई के डेरिवेटिव को आप लिखेंगे वाई वन अब फिर दोबारा जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई वन ओवर डी एक्स और इसमें से माइनस थ्री आप कॉमन ले लें और डेरिवेटिव आ जाएगा जी साइन थ्री एक्स और प्लस का साइन एक्स फिर माइनस का थ्री बाय फोर साइन थ्री एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस थ्री एक्स साइन थ्री एक्स का डेरेटिव कॉस थ्री एक्स फिर इस एंगल का डेरिवेटिव लेंगे थ्री एक्स का डेरिवेटिव हम लिखेंगे थ्री और साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉज एक्स और आगे एक्स का वन हो जाएगा और इस वाई वन के डेरिवेटिव को आप लिखेंगे वाई टू दोबारा जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई टू और डी एक्स माइनस का थ्री बाई फोर जी थ्री एज इट इज़ और डेरिवेटिव आएगा कॉस थ्री एक्स का फिर डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस एक्स का और कॉस थ्री एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन थ्री एक्स माइनस का थ्री बाई फोर कॉस थ्री एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन थ्री एक्स और फिर इस एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है तो थ्री एक्स का डेरिवेटिव बन जाएगा थ्री और कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और वाई टू के डेरिवेटिव को हम लिखेंगे वाई थ्री वाई टू के डेरिवेटिव को वाई थ्री इन दोनों से फिर नेगेटिव साइन कॉमन लेके इस नेगेटिव के साथ वो हो गया पॉजिटिव थ्री बाई फोर तो नाइन और साइन थ्री एक्स और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स ये आ गए जी इसके तीन डेरिवेटिव और पहुंचना था हमने चार डेरिवेटिव के ऊपर फिर यहाँ आप लिखेंगे डी बाय थ्री ओवर डी एक्स फिर थ्री बाय फोर नाइन और डेरिवेटिव आ जाएगा जी साइन थ्री एक्स का और फिर डेरिवेटिव आ जाएगा साइन एक्स का और साइन थ्री एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस थ्री एक्स और फिर इस एंगल का भी डेरिवेटिव लेंगे तो थ्री एक्स का डेरिवेटिव किस चीज़ के बराबर थ्री के और साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉज एक्स और वाई थ्री के डेरिवेटिव को हम लिखेंगे वाई फोर थ्री बाई फोर ट्वेंटी सेवन कॉस थ्री एक्स और प्लस का कॉज एक्स ये डेरिवेटिव तो आ गए अब बुक वाला आंसर लाने के लिए थोड़ा इसे हमने और सिंप्लीफाई करना है कॉस थ्री एक्स की ये जो वैल्यू थी कॉस थ्री एक्स की ये वैल्यू हमें वापिस लगानी पड़ेगी जी इस आंसर में कॉस थ्री एक्स की वैल्यू लगाइए वाई फोर इज़ इक्वल टू थ्री बाय फोर ट्वेंटी सेवन कॉज एक्स और कॉस थ्री एक्स कॉस थ्री एक्स की वैल्यू है फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस का थ्री कॉज एक्स ये वैल्यू हमें लगानी पड़ेगी उसकी वजह ये है कि हम बुक वाला आंसर लाने के लिए इसे और सॉल्व करेंगे वरना यहां पर फोर डेरिवेटिव तक ये आ गए हैं लेकिन बुक वाला आंसर लाने के लिए आपको यह वैल्यू यहां पर लिखनी पड़ेगी कॉस थ्री एक्स की ट्वेंटी तो सेवन को मल्टीप्लाई करें थ्री बाय फोर ट्वेंटी सेवन इंटू फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस का ट्वेंटी सेवन को अगर मैं थ्री से मल्टीप्लाई करूँगा एटी वन काज एक्स फिर प्लस का कॉस एक्स और इस थ्री बाय फोर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो थ्री इंटू ट्री बाय फोर इंटू ट्वेंटी सेवन इंटू फोर क्यूब एक्स और माइनस का एटी वन और प्लस का वन ये आ जाएगा माइनस का 80 कॉज एक्स और इसको मल्टीप्लाई करना है थ्री बाय फोर से ये वाला फोर इस फोर से कैंसिल हो जाएगा और इस फोर और 80 को करेंगे तो यहाँ ट्वेंटी आ जाएगा ट्वेंटी सेवन को अगेन थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो एटी वन कॉस क्यूब एक्स माइनस का सिक्सटी कॉज एक्स ये हजी हमारी जो बुक है उसका आंसर ये आ रहा है इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है नेक्स्ट आप देखिए पार्ट नंबर थ्री जी पार्ट थ्री में भी फोर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं और पार्ट नंबर थ्री है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क् माइनस नाइन वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस नाइन इस पे आप लॉग की प्रॉपर्टी लगा दें लॉग इसको लिखिए एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री फैक्टर बनाए हैं और लॉग ऑफ एम इंटू एन इक्वल होता है लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन के ये प्रॉपर्टी इस पर लगा दें लॉग ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस थ्री और लॉग एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ लॉग एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव था वन ओवर एफ ऑफ एक्स और फिर हमें डेरिवेटिव लेना था एफ ऑफ एक्स का ये फार्मूला इसमें, इसमें इस्तेमाल हो गया तो so यहाँ पर पहले आप लिखिए डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ये आ जाएगा डी बाई ओवर डी एक्स डी ओवर डी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस थ्री और डी ओवर डी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस थ्री स्टूडेंट्स ये फार्मूला इस्तेमाल कीजिए लॉग एफ ऑफ़ एक्स लॉग एफ ऑफ़ एक्स का डेरीवेटिव वन ओवर एफ ओफ एक्स और आगे डेरिवेटिव इस एफ ओ फैक्स का भी आना है ये सारा हमारा एफ ओ फस है और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वन हो जाएगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो इसी तरह यहाँ पे वन ओवर एक्स प्लस थ्री और आगे जब इस एफ ओ फ्स का डेरिवेटिव लेंगे एक्स का वन कांस्टेंट का ज़ीरो और इस वाई के डेरिवेटिव को हम क्या लिखेंगे वाई वन दोबारा डिफ्रेंशियट कीजिए डी बाई वन ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एक्स माइनस थ्री की पावर माइनस वन डी ओवर डी एक्स एक्स प्लस थ्री की पावर माइनस वन इसे अब हम डिफ्रेंश करेंगे इसे लिखेंगे बाय टू पावर पहले और पावर में से एक कम और फिर पावर छोड़कर इन साइड जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे एक्स का वन आ जाएगा कांस्टेंट का ज़ीरो और इसी तरीके से पावर पहले पावर में से एक काम फिर पावर छोड़कर इन साइड का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वन आ जाएगा ये आया जी बाई टू वाई टू इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री का सुखिया की बजाय यहाँ पर पावर है जी माइनस टू दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई टू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू पावर पहले ये माइनस टू इस माइनस को प्लस कर देगा और पावर में से एक कम करेंगे माइनस थ्री हो जाएगी पावर छोड़कर इन साइड का डेरिवेटिव लेंगे वन आ जाएगा पावर पहले पावर में से एक कम करेंगे माइनस थ्री पावर छोड़ कर डेरीवेटिव लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा वन और वाई टू के डेरीवेटिव को हम लिखेंगे वाई थ्री तो टू इंटू एक्स माइनस थ्री माइनस थ्री टू इंटू एक्स प्लस थ्री रेस टू पावर माइनस थ्री फिर दोबारा इसे डिफ्रेंशिएट करें डी वाई थ्री ओवर डी एक्स पावर पहले पावर में से एक काम करेंगे माइनस फोर फिर पावर छोड़ कर का डेरिवेटिव लेंगे वन आ जाएगा पावर पहले पावर में से एक काम करेंगे माइनस फोर पावर छोड़कर इनसाइड का डेरिवेटिव लेंगे वन आ जाएगा और बाय थ्री का डेरिवेटिव को हम लिखेंगे बाय फोर तो माइनस का सिक्स एक्स माइनस थ्री रेस टू पावर फोर माइनस सिक्स और एक्स प्लस थ्री रेस टू पावर फोर यहाँ से हम माइनस सिक्स कॉमन ले सकते हैं माइनस सिक्स यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है माइनस सिक्स वन ओवर एक्स माइनस थ्री रेस टू पावर फोर वन ओवर एक्स प्लस थ्री रेस टू पावर फोर इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होगा तो स्टूडेंट्स ये थे इसके चार डेरिवेटिव इन शाला आइंदा आने वाली वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो